जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो हमारे एक भाई का क्वेश्चन था कि हम क्या हम KDP के ऊपर जो है वो ब्लॉक बुक हमारी होती है, जो हमारी KDP बुक ब्लॉक कर देता है उसको दोबारा पब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारे एक भाई का जो है ना क्वेश्चन था। तो मैं आपको इजीली जो है ना इसका बता दूं कि कोई भी अगर आपकी बुक ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें मेरे पास ये एक अकाउंट है, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना बुक्स ब्लॉक है, ठीक है, ये देखिए बुक्स ब्लॉक है, ठीक है। तो अब क्या दोबारा से आप इस बुक को पब्लिश कर सकते हैं? तो इसका ये आंसर है कि आप दोबारा से बुक को पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिश करनी है अगर दोबारा आपने तो उसके अंदर जो है ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बुक को ब्लॉक क्यों किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस बुक के अंदर जो है ना वो आया है जी कॉपीराइट कंटेंट, ठीक है। तो कॉपीराइट कंटेंट की वजह से ये बुक जो है ना ब्लॉक हुई है। अब आपको पता चल गया कि ये हमारी जो बुक ब्लॉक हुई है कॉपीराइट कंटेंट। अब कॉपीराइट कंटेंट के अंदर बहुत सारी जो है ना कैटेगरीज आ जाती हैं, बहुत सारे सिस्टम आ जाते हैं आपकी जो है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि आप कॉपीराइट कंटेंट बुक के अंदर है या कवर के अंदर है, कोई इस तरह की पिक्चर आपने यूज कर दी है, या फिर आपके जो कीवर्ड्स हैं उनके अंदर कॉपीराइट कंटेंट आया है, या फिर मतलब कोई ट्रेडमार्क चक्कर आ गया है। तो अब ये पहले तो आपको वो बता रहे हैं कॉपीराइट कंटेंट है। अब आपने देखना है कि आपने जो है ना कॉपीराइट जो है कंटेंट क्यों आया है आपकी बुक के अंदर। क्या आपने कहीं पर कॉपीराइट इंटरनेट से लेकर बुक बनाई है, ChatGPT यूज किया है, या इस तरह की अगर कोई चीज आपने यूज की है, कवर कहीं से लेकर जो है ना पेड वाला फ्री लिया आपने यूज कर लिया है, तो इस तरह अगर आपने कोई भी चीज जो है ना की है तो आपकी बुक ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो फिर आपके पास जो है ना और कोई सलूशन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आप देखे कुछ लोग जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं कि वो AI से पिक्चर जनरेट करके उनके कवर बना लेते हैं, तो इस वजह से भी जो है ना KDP आपकी बुक ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो बुक एक दफा ब्लॉक हो जाए ना, उसको दोबारा आप KDP के ऊपर लॉन्च ना करें। अगर आप दोबारा उसी अकाउंट के ऊपर उसको लॉन्च करेंगे तो वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। अगर उसी बुक को आप दोबारा से किसी और अकाउंट के ऊपर ब्लॉक मतलब के लॉन्च करते हैं तो भी वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो इससे बेहतर यही है कि जो बुक आपकी एक दफा ब्लॉक हो गई है आपके अकाउंट के ऊपर, उसको दोबारा अपने अकाउंट के ऊपर लॉन्च ना करें और किसी दूसरे अकाउंट के ऊपर भी लॉन्च ना करें, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाएगी। अगर आपने लॉन्च करनी है तो उसमें से कॉपीराइट कंटेंट जो है ना उसको जो है ना निकालना जरूरी है। लेकिन आपको अगर नहीं पता तो फिर आप उसको जो है ना किया करें पब्लिश वगैरह, इससे आपका लॉस होता है, आपका अकाउंट भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि एक दफा जो ब्लॉक हो जाती है दोबारा भी करेंगे तो वो ब्लॉक ही होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप कोई राइटर नहीं है, आपने जस्ट जो है ना बुक अगर खुद आपने लिखी है फिर बुक ब्लॉक हुई है तो फिर भी आप समझ लेंगे आपकी बुक के अंदर कोई चीज ऐसी जो है ना आपने स्टोरी टाइप की है जो पहले जो है ना हो सकता है अमेज़न के ऊपर किसी जो है ना ऑथर ने लिखी हो, या फिर आप क्या करते हैं किसी ऑथर की बुक्स को जो है ना आप क्या करते हैं पढ़कर आगे अपनी खुद बुक को वो लिख लेते हैं, फिर भी इस तरह से आपका जो है ना इशू आता है। तो इसलिए आपने जो भी बुक लिखनी है, ठीक है, लिखने के बाद आपने उसकी प्रूफरीडिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग अच्छे तरीके से करनी होती है, तब जाकर आप उसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि कोई भी अगर हमारी बुक ब्लॉक हो जाती है ना तो उसको हम दोबारा लॉन्च नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे वो कोई भी बुक को लो कंटेंट, नो कंटेंट, हाई कंटेंट, आपने ये माइंड में रखना है, अगर दोबारा से उसी बुक को लॉन्च करेंगे तो फिर से वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।